Hello students, good afternoon. I hope you might have seen yesterday's video. In that we completed water pollution, and I told you that how water is polluted and how human beings and the aquatic animals are suffered. So this chapter we are going to continue from page number 99. So be ready with your textbook, everyone. So I told you about the marine life animals, मतलब aquatic animals जो water में रहते हैं, जो भी fish animals water में रहते हैं उसको हम aquatic animals कहते हैं और उनकी life को हम marine life कहते हैं. तो which are these animals? Some of the aquatic animals are mammals. Mammals मतलब जो दूसरी दूसरे को birth देते हैं, दूसरे बच्चा पैदा करते हैं उसको हम मैमल्स कहते हैं. मैमल्स सच एज व्हेल्स, ऑटर्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, ये सारे फिशेज मैमल फिशेज है जो वाटर के अंदर रहती है. दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. दूसरी फिश, फिश ऑफ वेरियस टाइप सच एज यरिंग, शार्क, कोड, कार्प एंड सालमन. दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द फिश विच लिव्स इन अ वाटर. नाउ शेल फिश such as snails, crabs, mussels, squid, lobsters and water beetles. These are the name of different shellfish जिसके body के ऊपर shell होता है, अपना खुद का shell होता है, जो water bodies में रहती है और वो aquatic animal कहलाती है. Amphibians, amphibians मतलब जो water में भी रह सकते हैं और water के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि न्यूज, टोड्स एंड फ्रॉग्स. ओके, जो वाटर्स में भी रहते हैं और वाटर के बाहर भी रहते हैं. उसी तरह से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और वाटर के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस एंड वाटर बर्ड्स. कई ऐसे बर्ड्स हैं जो भी वाटर के अंदर रहते हैं, such as herons, egrets, cranes, ducks and diaper birds. These all are called the aquatic animals which lives in a water, and some of the animals can live on water as well as on a land. Many countries are now taking steps to cut down pollution. अब तो बहुत सारे कंट्रीज में वाटर पोल्यूशन ना हो उसके स्टेप्स लेना स्टार्ट कर लिया है. वाटर बॉडीज को वो लोग क्लीन कर रहे हैं, रिवर्स को क्लीन कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं जिससे पब्लिक उसमें गार्बेजेस ना थ्रो करें. रेगुलर शिपिंग एंड रिड्यूस द डंपिंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. मेनी ओशियनिक एरियाज एंड सीज आर ऑल्सो बींग मार्केट फॉर कंजर्वेशन एंड केयर ऑफ दिस एनिमल्स. हर एक कंट्री ने डिफरेंट डिफरेंट वेज में वाटर बॉडीज का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है. पीपल अवेयरनेस कि कोई भी लोग वहाँ पे कचरा ना फेंके, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का कोई भी वेस्ट है वो वाटर बॉडीज में ना जाए, वो सारे अवेयरनेस का काम हमारी गवर्नमेंट ने और सारे कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है. तो अब धीरे धीरे हमारी सारी वाटर बॉडीज क्लीन हो रही है. ओके, नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सेविंग वाटर. है ना, हम कभी भी वाटर सेव नहीं करते. हमें जितनी भी वाटर की जरूरत है उससे ज्यादा वाटर ही हम यूज करते हैं, फिर वो बाथिंग के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, ड्रिंकिंग के लिए हो या फिर कोई भी पर्पस के लिए हो, हम हमेशा वाटर वेस्ट करते हैं. लेकिन यही आदत हमें सुधारनी है और वाटर सेव करना है, क्योंकि हमें तो बहुत आसानी से वाटर मिल जाता है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसे भी एरियाज है, ऐसे भी विलेजेस हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है. उन लोगों को थोड़ा वाटर लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है. तो उन लोगों के लिए आज से हम प्रॉमिस करें कि हम वाटर को सेव करेंगे. Have you wondered why we need to use water carefully and judiciously? आपको हमेशा कहा गया है कि आप वाटर को सेव करो, वाटर ज़्यादा वेस्ट मत करो, लेकिन उसका रीज़न का भी पता है कि वाटर क्यों हमें वेस्ट करने से मना कर रहे हैं. This is because nearly 97% of the earth water is salty and 2% is frozen in a form of ice caps. क्यों? क्योंकि 100% में से 97% तो हमारा वाटर सी एंड ओशियंस में है जो वेरी सॉल्टी है, जो वाटर हम ड्रिंक नहीं कर सकते. एंड 2% वाटर ऐसा है ना जो आइस है,
आइसबर्ग्स में है, मतलब स्नो के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, जिसको हम ड्रिंक या यूज नहीं कर सकते. देयरफॉर ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसलिए हमारे पास यूज करने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन के यूज करने के लिए टोटल कितना वाटर है? ओनली 1%. जो हमारे रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, अंडरग्राउंड में है, वो पूरा मिला के सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो हमारे यूज के लिए है. Water is thus a precious commodities and without it there would not be life on this planet. बहुत important है water हमारे लिए, और water के बगैर तो हमारे earth के ऊपर life है ही नहीं. अब जब सोचो, आपके पास बहुत सारा खाना है, हर चीज है, लेकिन water नहीं है, तो क्या sufficient है? नहीं है वो हमारे लिए. जितना food, air हमारे लिए important है, उतनी ही important हमारे लिए वाटर है. वी शुड देयरफॉर टेक वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू प्रिजर्व वाटर, यूज इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट और पॉल्यूटेड. इसीलिए हमें वाटर को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही हमें यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट और पॉल्यूट तो कभी नहीं करना चाहिए. तो आज से हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम वाटर को कभी वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना वाटर ही हम यूज करेंगे. तो आई होप ये पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया है, जिसमें हर एक वाटर की, वाटर सप्लाई कैसे होता है, वाटर प्यूरिफाई कैसे होता है, वाटर से कौन कौन सी डिजीज होती है, वाटर पॉल्यूट कैसे होता है, वाटर के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया, और लास्ट में हमें वाटर सेव कैसे करना है, ये पूरा चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना. ओके, चलो, आई एम एंडिंग माय वीडियो ओवर हियर. बाय बाय.